नमस्कार राधे राधे सभी मित्रों को। इस वीडियो के अंदर मैं लाइजोन सॉल्यूशन फाइबर क्लाउड टेक डेस्टिनी कॉर्पोरेट सर्विस इस तीन कंपनियों के बारे में आपको बताऊंगा। इन तीनों कंपनियों को जो एग्रीमेंट पेपर है उन एग्रीमेंट पेपर पर भी एक नज़र डालूंगा। तो इस वीडियो से आप लोग सब जुड़े रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। शुरुआत करता हूं मैं लाइजोन सॉल्यूशन उत्तर प्रदेश नोएडा के नाम से कंपनी जो है ऑपरेट हो रही है। डेटा एंट्री के नाम से फ्रॉड कर रही है लाइजन सॉल्यूशन, जो डेटा एंट्री के नाम से लोगों के साथ में चीट कर रही है। ओरिजिनल कंपनी नहीं है। इस कंपनी के एग्रीमेंट पेपर से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक पैसा पे नहीं करना है। एग्रीमेंट पेपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो एग्रीमेंट पेपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस एग्रीमेंट पेपर के बिहाफ पे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इलीगल वॉइड एग्रीमेंट है जो कि कहीं भी कोर्ट केस FIR वगैरह इन तमाम चीज़ों के लिए लायबल नहीं है। इस एग्रीमेंट पेपर के बिहाफ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस कंपनी से निश्चिंत रहें, पैसा पे ना करें। जितने भी मेरे भाई और बहन जुड़े हुए हैं इस कंपनी से वो निश्चिंत हो जाएं। दूसरी कंपनी है फाइबर क्लाउड टेक। फाइबर क्लाउड टेक जो करके डेटा एंट्री कंपनी, इसके मैं दो एग्रीमेंट पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, पैरेलल दिखाऊंगा। दोनों एग्रीमेंट पेपर को आप देख लेना, सेम एग्रीमेंट पेपर है, सेम ड्राफ्टिंग है, लेकिन दोनों ही एग्रीमेंट पेपर जो हैं वॉइड हैं, फेक एग्रीमेंट है, इनलीगल एग्रीमेंट है। आप देखिए स्क्रीन, ये जो स्क्रीन पर आप दो एग्रीमेंट पेपर देख रहे हैं, दो अलग अलग पर्सन के साथ में एग्रीमेंट जो है साइन किया हुआ है और दोनों ही एग्रीमेंट वॉइड है। दोनों एग्रीमेंट में अगर बोलूं फेक एग्रीमेंट है और फ्रॉड कंपनी के। तो फाइबर क्लाउड टेक के नाम से जो गुजरात की जो डेटा एंट्री कंपनी के नाम से जो फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस गैंग से सावधान रहें। और इस एग्रीमेंट के व्याप पे आपको एक पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बिल्कुल डरना है, ना पैसा पे करना है। कंपनी कुछ भी धमकी देती है आपको, कोर्ट केस की, FIR की, या फिर मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर कुछ भी बोलती है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपका आधार वगैरह उनके पास जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं। आपको cybercrime.gov.in पोर्टल पर कंप्लेंट करनी है। 155-260 इस नंबर पर बार बार ट्राई करके अगर कॉल रिसीव हो जाता है, कॉल पिक हो जाता है, तो वहाँ भी एक कंप्लेंट डाल देनी है अगर आपने पैसा पे कर दिया है। अगर पैसा पे नहीं किया है तो cybercrime.gov.in गवर्नमेंट का जो पोर्टल है साइबर क्राइम के रिलेटेड, उस पर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। तीसरी कंपनी जो है डेस्टिनी कॉर्पोरेट करके है, डेस्टिनी कॉर्पोरेट सर्विस करके, ये मध्य प्रदेश की कंपनी है। तो डेस्टिनी कॉर्पोरेट के नाम से भी लोगों के साथ में डेटा एंट्री के नाम पे चीट हो रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, इस तरह के फेक एग्रीमेंट पेपर जो है साइन किए जा रहे हैं। तो इन एग्रीमेंट पेपर से भी आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। इस तरह के किसी भी वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट पेपर से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने भी आधार, पैन, वोटर आईडी, कुछ भी डेटा अपना एज ए प्रूफ दिया हुआ है, तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं। घर पे पुलिस आएगी, फैमिली को प्रॉब्लम होगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी हेडक नहीं लेना है। फिर से वही www.cybercrime.gov.in इस गवर्नमेंट के पोर्टल पे कंप्लेन दर्ज करा देनी है। अगर हो सके तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि सर इन इन नंबर से मुझे बार बार कॉल आ रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है और मेंटली मुझे डिप्रेस्ड किया जा रहा है, तो आप इस तरह की कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। बट पैसा पे नहीं करना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो भी मेरे भाई और बहन पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी अपने दिमाग पे टेंशन न लें। फैमिली का क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों की बिल्कुल भी आपको हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई, अपना फोकस अपने गोल पर रखें, अपने जो एम है उसको पूरा करें। और जहाँ तक हो सके ऐसी तमाम डेटा एंट्री कंपनियाँ जो फ्रॉड कर रही हैं उनसे सावधान रहें, सचेत रहें, बिना किसी वेरिफिकेशन के। और जो ऑथेंटिक वेबसाइट हो, पोर्टल वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, ऑथेंटिक अगर वेबसाइट है उसी से वर्क लीजिए, जो वेरीफाइड वेबसाइट है उसी से वर्क लीजिए और काम कीजिए। और जो भी एप्लीकेशन से अगर आप वहाँ से भी किसी से वर्क ले रहे हो, अगर एप्लीकेशन जो है ऑथेंटिकेट है, वेरीफाइड है, उसी दौरान उससे वर्क लें, अदरवाइज वर्क ना लें। आपके साथ में आपके डेटा का चोरी हो सकता है, आपके साथ में बाद में ये दिक्कतें आ सकती हैं, एग्रीमेंट के नाम पर आपको डराया जाए, धमकाया जाए, पैसे ऐंठे जाएँ, इन तमाम चीज़ों से आपको सावधान रहना है। किसी भी डेटा एंट्री वाले को पैसा पे नहीं करना, ना तो पहले और ना ही बाद में, दोनों ही केस में पैसा पे नहीं करना है और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ और सजेशंस देना चाहते हैं या फिर किसी और अन्य कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी एग्रीमेंट का PDF जो है मेल के थ्रू हमें भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग। और अगर वीडियो अच्छे लगे
अगर आप भी चाहते हैं कि इस सहयोग की जो हम लोग चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, इसमें अगर आप भी सहयोग करना चाहें तो वीडियोज को शेयर करके सहयोग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने भी तरह के फ्रॉड हैं, मैं आगे चल के कुछ वीडियोज और लेके आने वाला हूँ, जो एप्लीकेशन जो है उनको कैसे आइडेंटिफाई करें उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्या प्रोसीजर है उसका, वो सब चीज़ें बताऊँगा एक बार। और जो भी फ्रॉड एप्लीकेशन हैं, जो फेक एग्री जो एप्लीकेशन हैं, जो आपको लोन की हो या फिर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर से रिलेटेड हो, उनके बारे में भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। इन फर्दर डिटेल्स जो हैं कलेक्ट की जा रही है, तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत